हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है ना डॉट कॉम। आई एम नीमा डोबरियाल। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक कीजिए और आप उन पर कमेंट भी कर सकते हैं। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस फ्यूचर में ईमेल के थ्रू मिलती रहें तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लस आप हमें फेसबुक और ट्विटर के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप हमें ब्लॉगर पर भी फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी साइट पर विज़िट कीजिए। हमारी साइट है www.asanhaina.com। गाइस, हमने लास्ट टॉपिक में इंश्योरेंस से रिलेटेड किया था कि मेनली इंश्योरेंस क्या होता है और उसका क्लेम हम कैसे फाइल कर सकते हैं और कितना हमें रिटर्न इसका मिल सकता है। आज हम करेंगे सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स मेनली होता क्या है? कोई भी ऐसा टैक्स जो एक डीलर चार्ज करता है किसी भी परचेजर के ऊपर अगर वो इंटर स्टेट सेल कर रहा है, मीन्स अगर कोई भी सेलर कोई भी चीज़ सेल करता है अपने राज्य से बाहर, अगर अपने वो राज्य से बाहर अपनी गुड्स को या अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो तो सर्विस टैक्स हो जाएगा। बट अगर अपनी गुड्स को सेल कर रहा है अपने राज्य से बाहर तो वो आपका उसमें सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा, क्योंकि वो इंटर स्टेट सेल्स में इंक्लूड होता है। जो वो सेल का अमाउंट चार्ज करेगा उस अमाउंट में आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स इंक्लूड होगा और उसके साथ साथ आपका सरचार्ज भी इंक्लूड होगा। वो आपका होगा सरचार्ज ऑन सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्चुअल में मीनिंग इसका क्या होता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स इज चार्ज्ड बाय द सेलर व्हेन सेल्स मेड आउटसाइड द स्टेट लाइक ऑन इंटर स्टेट सेल्स। इसमें क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो चार्ज किया जाता है किसी भी विक्रेता के द्वारा, उसने जो सेल की है, उसने जो विक्रय किया है उसके ऊपर जो भी टैक्स चार्ज किया जाता है, अगर वो आउटसाइड द स्टेट सेल कर रहा है तो वो आपका है सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसको हम मेनली इंटर स्टेट सेल्स में सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किया जाता है। आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल एक दिल्ली का डीलर है, उसने सेल किया है यूपी के परचेजर को। अगर वो दिल्ली का डीलर है वो यूपी के परचेजर को सेल करेगा तो ये आपकी इंटर स्टेट सेल हुई। अब इंटर स्टेट सेल में जो भी आपका टैक्स लगेगा उस टैक्स को आप बोलेंगे सेंट्रल सेल्स टैक्स। वो आपका हो जाएगा सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसको हम मेनली इंटर स्टेट सेल भी बोलते हैं जिस पे हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाता है। अब आप ये देखिए, सेंट्रल सेल्स टैक्स तो लगता ही है, इसके साथ एक सरचार्ज भी लगाया जाता है जिसको बोलते हैं हम सरचार्ज ऑन सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब ये जो सरचार्ज ऑन सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है ये भी गवर्नमेंट के पास जाता है, बट उसका कोई रिकॉर्ड मेनली होता नहीं है कि गवर्नमेंट ने वो कहाँ यूज़ किया है उस सरचार्ज को। मेनली सेंट्रल सेल्स टैक्स 4% होता है मोस्टली जगह पे, और 5% भी हो सकता है, काफ़ी जगहों पे 5% भी होता है, बट मोस्टली ये 4% होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब हमारा वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स, अगर कोई भी डीलर सेल कर रहा है अपने राज्य के अंदर, अपने स्टेट के अंदर, जो भी उस सेल करने में, लाइक आपने 10,000 की सेल की है उस पे आपने 5% से वैल्यू एडिड टैक्स लगाया, मीन्स वैट लगाया, अगर आपने उससे 5% से वैट लगाया और आपने सेल की थी उसको 10,000 का, तो उसमें प्लस हो गया 500, 10,000 का 5% निकालेंगे ना, 500 उसमें ऐड हो जाएगा, 5% ऐड होके आपका 10,500 वो अमाउंट बनेगा, वो आपको रिसीव होगा क्योंकि उसमें टैक्स भी इंक्लूड हुआ है। ये वैल्यू एडिड टैक्स में मीन्स क्या है, जो उसकी वैल्यू है उसमें ऐड हो जाता है जो भी टैक्स, वो आपका वैल्यू एडिड टैक्स। अगर कोई सेलर सेल कर रहा है गुड को विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर अंदर, उसको आप बोलेंगे जो भी उसमें टैक्स लगता है वो है वैल्यू एडिड टैक्स।
एग्जाम्पल जैसे एक डीलर है दिल्ली का है, अगर वो सेल कर रहा है करोल बाग में, मीन्स एक परचेजर है करोल बाग, वो परचेज कर रहा है उस डीलर से, दिल्ली के डीलर से, करोल बाग भी दिल्ली में ही है, तो ये विद इन द स्टेट हो गया। अब विद इन द स्टेट जो सेल है इस पे जो चार्ज लगेगा, इस पे जो टैक्स लगेगा वो आपका है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स मेनली ये इंट्रा स्टेट सेल पे लगता है, मीन्स विद इन द स्टेट जो भी टैक्स आपका लगाया जाता है इंट्रा स्टेट सेल्स पे वो आपका है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स सबसे पहले आपका हरियाणा में स्टार्ट हुआ था, अब सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ, वैल्यू एडिड टैक्स हुआ। अब जो नेक्स्ट इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, कीप लर्निंग।